हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं उड़द दाल की जलेबी। जलेबी हमारे देश की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है और हम इसे हर शादी या त्यौहार में बनाते हैं। जलेबी दिखने में जितनी टेढ़ी होती है, यकीन मानिए उसे बनाना उतना ही आसान है। आज की आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि जलेबी कितनी आसानी से बनती है, बस कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है। तो चलिए आज इस फेमस जलेबी की रेसिपी को घर में बनाते हैं। उड़द दाल की जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द की दाल, 6 से 8 घंटा पानी में भिगोया हुआ, 1/4 कप चावल, आप इसे 1 घंटे पानी में भिगो लीजिए, फूड कलर ऑरेंज कलर का 1/2 बड़ी चम्मच, 2 नींबू का टुकड़ा ऐसे कटा हुआ, चीनी चाहिए हमें 2 बड़े कप। पानी उड़द दाल ब्लेंड करने के लिए और चाशनी बनाने के लिए, और कुकिंग ऑयल हमें जलेबी को फ्राई करने के लिए। जलेबी का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये भिगोया हुआ उड़द दाल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये भिगोया हुआ चावल। ये हमने चावल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये फूड कलर। ये कलर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। ये मैंने कलर 1/2 बड़ी चम्मच डाला इसमें। अब इसमें पानी डाल के आप इसे ब्लेंड कर ले। पानी आप हिसाब से डालें ताकि जो बैटर है वो पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इस जार का ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप जार का ढक्कन ओपन करके देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर लगे तो आप बीच में पानी भी डाल सकते हैं। ये हमारा जलेबी का बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा थिन भी नहीं है। कोन बनाने के लिए हम एक दूध का पैकेट लेंगे। मैंने इसे ऊपर से काट लिया है। अब इसके भीतर ये बैटर डालें आप। पैकेट का 1/3 भाग आप इसे बैटर से भर दें और फिर इसके एजेस को पकड़ के ऐसे इसमें इलास्टिक रबर लगा दें ताकि जो बैटर है वो पीछे से नहीं निकले। आप इसे मेहंदी को कोन की तरह बना लें। ये मैंने इसे सील कर दिया है। अब आप इसके टॉप को कैंची से काट लें। ये काट के उसके बाद इसका फ्लो चेक कर ली। ये देखिए, ये परफेक्ट है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे। गैस के दूसरे पार्ट को भी हम ऑन करेंगे और इस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमें जलेबी और चाशनी एक साथ बनानी है, इसलिए हमने दोनों गैस ऑन किया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे चीनी। अब हम उसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। चाशनी ज़्यादा पतली नहीं करें, एक तार की चाशनी बनानी है हमें। अब गैस का फ्लेम तेज करके आप उसे उबलने दें। दूसरे साइड फ्राइंग पैन में हम तेल डाल लेंगे और उसे लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे। ये देखिए, अब ये चाशनी उबल चुका है। अब हम इसमें नींबू के टुकड़े डालेंगे। ये नींबू के टुकड़े डालने से जो चाशनी का कलर है वो अच्छा आता है और उसका फ्लेवर भी चाशनी का थोड़ा टैंगी आता है। ये देखिए, ये चाशनी उबल के थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें नींबू के टुकड़े निकाल देंगे। अब हम चाशनी को हाई फ्लेम पे थोड़ा गाढ़ा करेंगे जब तक कि वो एक तार का ना हो जाए। ये देखिए, ये चाशनी उबल के इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो चुकी है और ये एक तार की चाशनी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम फ्राइंग पैन में तेल, ये गर्म हो चुका है। अब जो जलेबी का कोन बैटर का हमने बनाया है उससे हम जलेबी बनाएंगे। गैस का फ्लेम कम रखें। ये देखिए, पहले एक बड़ा सर्किल बनाएं और उसके भीतर ऐसे छोटे छोटे घुमाते जाएं। एक बड़ा सर्किल और उसके भीतर 2-3 सर्किल। गैस का फ्लेम कम रखें। ये देखिए, ये जलेबी जो है वो थोड़ी सी पकने के बाद अपने आप तेल में ऊपर आ जाएगी और थोड़ी सी फूल जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे पक रही है ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे पलट देंगे। अब जलेबी को हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे जब तक कि वो क्रिस्पी नहीं हो जाए। आप इसे डीप फ्राई करें। ये देखिए, अब इसका कलर जो है वो सुनहला हो गया है। ये देखिए, ये जलेबी दोनों तरफ से पक चुकी है।
गैस के दूसरे साइड हम चाशनी को जो हमने गर्म करके रखा है, याद रखें चाशनी गर्म ही रखें। अब ये जलेबी हमने इसमें से निकाल के और ये चाशनी में डिप कर दिया। आप इसे तुरंत तेल से निकाल के और चाशनी में डिप करें। ये देखिए, अब हम ऐसे स्पून से जलेबी को उसके भीतर चाशनी के भीतर ऐसे डुबोएंगे ताकि जो चाशनी है वो भीतर एब्जॉर्ब हो जाए और जलेबी में भीतर तक जाए। अब ये जलेबी के भीतर चाशनी जा चुकी है, आप इसे 2-3 मिनट छोड़ दें। ये देखिए, अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।